फ्रेंड्स, वेलकम बैक एंड वेलकम अगेन इन माय अनदर यूट्यूब वीडियो। इस वीडियो में मैं बताऊंगा, मतलब कंटिन्यू करूंगा किसके बारे में, ब्लैक होल के बारे में। ठीक है, प्रीवियस वीडियो में भी मैंने ब्लैक होल के बारे में डिस्कस किया था, उसमें मैंने 3 क्वेश्चन डिस्कस किए थे। एक्चुअली कौन कौन से क्वेश्चन डिस्कस किए थे कि व्हाट इज द ब्लैक होल, मतलब ब्लैक होल क्या होता है। दूसरा है क्वेश्चन कि उसका नाम ब्लैक होल ही क्यों रखा है। ठीक है, और तीसरा मैंने क्वेश्चन डिस्कस किया था कि साइंटिस्ट को कैसे मालूम पड़ता है कि ब्लैक होल एग्जिस्ट करता है यूनिवर्स में। ओके, ये 3 क्वेश्चन मैंने प्रीवियस वाली वीडियो में डिस्कस किए थे। इस वीडियो में नेक्स्ट 3 क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करूंगा, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाउ बिग इज ब्लैक होल, मतलब ब्लैक होल कितना बड़ा हो सकता है। ठीक है, तो एक इंटरेस्टिंग चीज है, ब्लैक होल का जो साइज है वो एक छोटे एटम से, मतलब एटम से भी छोटा हो सकता है, और एक सोलर सिस्टम जितना बड़ा भी हो सकता है। एटम से लेकर के एक सोलर सिस्टम के साइज के बराबर हो सकता है क्या ब्लैक होल का साइज। ओके, ये डिपेंड करता है वो किस तरीके से, मतलब ओरिजिन, उसका ओरिजिन किस तरीके से हुआ है। ठीक है, किस तरीके से बना है, तो वो अपन नेक्स्ट वाली क्वेश्चन में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाउ मेनी टाइप ऑफ ब्लैक होल एग्जिस्ट इन यूनिवर्स। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में मैं बताना चाहूंगा कि बहुत सी जगह दो ही ब्लैक होल के बारे में मेंशन किया है, लेकिन एक्चुअल में 3 ब्लैक होल होती हैं। वो कौन कौन सी हैं? जो इसमें फर्स्ट वाला ब्लैक होल है वो क्या है, प्राइमोडियल, प्राइम ब्लैक होल। ओके, जो प्राइमोडियल ब्लैक होल है इसका जो साइज है, इसका जो साइज है वो क्या होता है, कितना होता है, एक एटम के बराबर। किसके बराबर? एक एटम के बराबर। लेकिन इसका मास, कितना हो सकता है, एक माउंटेन के बराबर, मतलब बड़े माउंटेन, जैसे कि मान के चलो हम हिमालय है, उसको स्क्वीज करके एक एटम में कन्वर्ट कर दिया है। ठीक है, तो वो एक ब्लैक होल बन जाएगा। ठीक है, एक्चुअल में ब्लैक होल किसी भी वस्तु को बना सकते हैं, लेकिन उसमें मास ज्यादा होना चाहिए, मैटर ज्यादा होना चाहिए। इवन मेरा भी ब्लैक होल बन सकता है, अर्थ का भी ब्लैक होल बन सकता है, और सन का भी ब्लैक होल बन सकता है, लेकिन इनके अंदर पॉसिबल क्यों नहीं है, क्योंकि इनके अंदर मैटर इतना नहीं है, जिसकी वजह से उसकी ग्रेविटी इंक्रीज नहीं हो पाती, बहुत ही कम मात्रा में मैटर है। ठीक है, लेकिन बना सकते हैं पॉसिबल, मतलब यदि अपने बॉडी में बहुत ज्यादा मैटर हो, ठीक है, तो ब्लैक होल, मतलब मैं अपनी बॉडी को स्क्वीज करके एक इलेक्ट्रॉन के साइज के बराबर कर दूं, मेरा मास मान के चलो यदि हो किसके बराबर, माउंटेन के बराबर। ठीक है, और मैं उस माउंटेन वाले मैटर को मैं एक इलेक्ट्रॉन के साइज के बराबर कर दूं, तो ब्लैक होल की तरह काम करेगा। ओके, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है, मेरा मास तो बहुत कम है। ठीक है, मेरा मास बहुत ही कम है। ऐसे ही दूसरा, अच्छा ये मिलते कहां पे, हाँ इस जो प्राइमोडियल ब्लैक होल है इसके बारे में अपन डिस्कस करेंगे, ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स वहां पर भी डिस्कस करेंगे। एक्चुअल में माना जाता है कि जो यूनिवर्स का ओरिजिन है वो इसी से हुआ है, किससे, प्राइमोडियल ब्लैक होल से। ठीक है, तो वहां पे भी इसको डिस्कस करेंगे। सेकंड टाइप है स्टीलर ब्लैक होल। ओके, अच्छा इसके साइज के बारे में बात करती है, इसके साइज कितना होता है, तो साइज के बारे में बात करें कुछ ही माइल्स होता है। ठीक है, मतलब 100 किलोमीटर के समथिंग मान लो। ठीक है, 100 किलोमीटर के समथिंग मान लो, लेकिन इसका जो मास है वो कितना है, 20 टाइम्स ऑफ मास ऑफ सन। ठीक है, मतलब 20 सन को मिलाकर के जितना मास बनता है उतना मास इस स्टीलर ब्लैक होल का होता है। ठीक है, मान के चलो मैं 20 सन को स्क्वीज करके, ठीक है, 100 किलोमीटर के साइज का मतलब स्पेयर बना दूं, तो वो क्या बन जाएगा, स्टीलर ब्लैक होल बन जाएगा। ओके,
इस टाइप के जो ब्लैक होल है अपने यूनिवर्स में ज्यादातर यही मिलते हैं। अपने यूनिवर्स में जो ब्लैक होल होते हैं कौन से होते हैं ज्यादातर? स्टीलर ब्लैक होल। एक गैलेक्सी में इस टाइप के ब्लैक होल 20 to 100 मिल सकते हैं। ओके, मतलब इनका नंबर वेरिएबल होता है हर गैलेक्सी में। ठीक है, नेक्स्ट जो टाइप है ब्लैक होल का वो कौन सा है? सुपर मैसिव ब्लैक होल। जैसे कि नाम से मालूम पड़ रहा है सुपर मैसिव, मतलब इस ये बहुत ज्यादा ही मैसिव होता है, बहुत ज्यादा ही मास रखने वाला ब्लैक होल होता है। ठीक है, इसका जो साइज भी जाता है इसका एक सोलर सिस्टम के बराबर है। मतलब सोलर सिस्टम मान सकते हो कितना बड़ा हो सकता है, बिलियन किलोमीटर का होता है। ठीक है, और मास इसका होता है, मास भी देखो इसका है मिलियन ऑफ, मतलब मैं मिलियन सन को मिलाकर के, ठीक है, जो मास बनेगा वो एक सुपर मैसिव ब्लैक होल का मास होता है। अब मिलियन सन कितना बड़ा हो सकता है अपन इमेजिन कर सकते हो तुम। ठीक है, तो इसका मास कितना होगा? ठीक है, मिलियन सन मतलब 10 लाख के समथिंग। ठीक है, 10 लाख सन को स्पीज करके, 10 लाख सन को स्पीज करके एक सोलर सिस्टम के साइज का बना दूं मैं, ठीक है, तो वो एक ब्लैक होल की तरह काम करेगा। ओके, तो ये सुपर मैसिव ब्लैक होल। अच्छा, एक और फैक्ट इसका बताता हूं कि हर एक गैलेक्सी है, मतलब अपने यूनिवर्स में बहुत सारी गैलेक्सी हैं, तो हर एक गैलेक्सी के सेंटर में सुपर मैसिव ब्लैक होल मिलेगा। ठीक है, क्या मिलेगा? सुपर मैसिव ब्लैक होल। एक और फैक्ट, जैसे अपने प्लैनेट्स हैं, मतलब जो 7-8 प्लैनेट है, ठीक है, 7 प्लैनेट है, वो सन के चक्कर लगाती है, परिक्रमा करती हैं, ठीक है, एक किसी स्पेसिफिक ऑर्बिट में, ऐसे ही जो सोलर सिस्टम है या बोल सकते हैं स्टीलर बॉडीज है, अनदर स्टीलर बॉडी है, स्टार्स हैं, किसके अंदर? गैलेक्सी के अंदर। गैलेक्सी के अंदर जो स्टार्स हैं वो सुपर मैसिव ब्लैक होल के क्या करती हैं? परिक्रमा करती हैं। मतलब एक गैलेक्सी के अंदर जितने भी स्टार्स हैं वो सुपर मैसिव ब्लैक होल की परिक्रमा करते हैं एक स्पेसिफिक ऑर्बिट में। ठीक है, तो ये टाइप ऑफ क्या हुए? ब्लैक होल। ठीक है, अब एक और फैक्ट के बारे में डिस्कस करते हैं। एक्चुअल में यदि किसी भी स्टीलर बॉडी को ब्लैक होल में कन्वर्ट होना है तो एक क्रिटिकल साइज को मतलब पार करना पड़ता है। ठीक है, वो क्रिटिकल साइज कैसे निकालते हैं? मतलब एक साइंटिस्ट थे स्वार्चाइल्ड, उन्होंने मतलब इसके डिफाइन किया था कैसे, उसका जो फॉर्मूला है GM अपॉन सी स्क्वायर। एक्चुअल में जो R है वो क्या है? स्वार्चाइल्ड रेडियस। मतलब यदि किसी स्टीलर बॉडी को, ठीक है, इतना छोटा कर दिया जाए कि उसकी रेडियस स्वार्चाइल्ड रेडियस के बराबर हो, ठीक है। अच्छा, वो स्वार्चाइल्ड रेडियस है वो कैसे कैलकुलेट करते हैं? इस फॉर्मूले से। ठीक है, ये क्या है? कॉन्स्टेंट है, ठीक है, और ए है उस स्टीलर बॉडी का मास। और ए है वेलोसिटी ऑफ लाइट, लाइट। ओके, मतलब उस स्टीलर बॉडी को यदि स्वार्चाइल्ड रेडियस के बराबर कर दिया जाए तो वो एज ए ब्लैक होल काम करेगा। ठीक है, तो ऐसे मतलब अपने अर्थ का जो स्वार्चाइल्ड रेडियस है वो 3 mm, कितनी है? 3 mm, 3 mm। ठीक है, मतलब अपने अर्थ को स्क्वीज करके, ठीक है, सिकुड़ करके यदि 3 mm के बराबर कर दिया जाए ना तो वो क्या होगा? ब्लैक होल की तरह काम करेगी।
लेकिन अपनी अर्थ में इतना मैटर नहीं है, अपना मतलब मास नहीं है कि वो ब्लैक होल की तरह काम कर पाए। एक्चुअल में उसमें मास ज्यादा होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है मैंने कल बताया था वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके बराबर, मास के, ठीक है, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है रेडियस के, ठीक है, या बोल सकती हैं उसके साइज के, ठीक है। तो ये था किसके बारे में, ब्लैक होल के साइज के बारे में बात, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कि हाउ एंड व्हेन ब्लैक होल फॉर्म, मीन्स कैसे और कब ब्लैक होल बनता है। तो बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इसके बारे में अपन देखते हैं। मैंने अभी थ्री टाइप ऑफ ब्लैक होल के बारे में डिस्कशन किया था, तो उनकी अलग अलग तरीका है बनने का तीनों का। प्राइमोडियल जो ब्लैक होल है, प्राइमोडियल ब्लैक होल है, एक कब बनता है, जब और यूनिवर्स का ओरिजिन होता है, तो एट द टाइम ऑफ यूनिवर्स, ठीक है, मतलब जब यूनिवर्स का ओरिजिन होता है तब प्राइमोडियल ब्लैक होल बनता है, ठीक है। तो कैसे बनता है वो मैं जब बताऊंगा जब ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स के बारे में डिस्कशन करेंगे, मतलब नेक्स्ट वीडियो में, ओके। दूसरा मैंने टाइप बताया था कौन सा, स्टीलर ब्लैक होल, क्या था, स्टीलर ब्लैक होल, ओके। तो इसके बारे में बात करने से पहले मैं कुछ फैक्ट्स के बारे में बताना चाहूंगा कि जो भी स्टार है वो मतलब उसके अंदर एनर्जी कैसे होती है और वो चमकता क्यों है। और हाँ, एक और चीज कि स्टार और प्लेनेट में डिफरेंस क्या है। स्टार है वो लाइट इमिट कर सकता है लेकिन प्लेनेट नहीं, ठीक है। प्लेनेट के अंदर फ्यूजन रिएक्शन नहीं होती है लेकिन स्टार के अंदर फ्यूजन रिएक्शन होती है। स्टार के अंदर हाइड्रोजन और हीलियम की वजह से उनके अंदर फ्यूजन रिएक्शन होती है, लेकिन प्लेनेट पे हाइड्रोजन और हीलियम इतनी मात्रा में नहीं होता है, मतलब फ्यूजन रिएक्शन नहीं होती, ठीक है। तो इस वजह से वो लाइट भी इमिट नहीं करते, और प्लेनेट है वो एक स्टार का पार्ट होती है, जैसे कि सन है एक स्टार है, और उस सन से जितने भी मतलब सन की वजह से जो भी प्लेनेट है वो सन से ही निकले हुए हैं, ठीक है। इसी का अर्थ है वो पार्ट है किसका, सन का है, ठीक है। तो आगे मैं बात करूं कि ये स्टीलर ब्लैक होल हैं वो कैसे बनती हैं। तो एक्चुअल में कोई भी स्टार यदि एजिड हो जाए, अब एजिड कैसे होता है स्टार, नया क्वेश्चन, ठीक है। तो एजिड कैसे होता है उसके बारे में डिस्कस करता हूं मैं। यदि किसी स्टार का जो हाइड्रोजन है मतलब हाइड्रोजन मैटर है वो खत्म हो जाए, ठीक है, तो उसके अंदर फ्यूजन रिएक्शन नहीं होगी, और फ्यूजन रिएक्शन नहीं होगी तो वो रेडिएशन इमिट नहीं करेगा, ठीक है। और रेडिएशन इमिट नहीं करेगा तो हाई ग्रेविटी की वजह से वो स्टार है क्या हो जाएगा, सिकुड़ता जाएगा, ठीक है। अच्छा, मैंने कल वाली वीडियो में एक चीज बताई थी कि जो स्टार है वो अपनी साइज को कैसे मेंटेन करता है, ठीक है, वो बताता हूं मैं दोबारा से, अगेन बताना चाहता हूं, बताता हूं। जैसे कि मैंने बताया था कि स्टार की खुद की ग्रेविटी होती है, ठीक है, तो वो ग्रेविटी किस वजह से होती है, उसके मैटर की वजह से, उसके मास की वजह से, ठीक है। और उसके अंदर जो हाइड्रोजन और हीलियम जो रिएक्शन चलती है, फ्यूजन की रिएक्शन चलती है हाइड्रोजन, ठीक है, उसकी वजह से क्या होती है, एनर्जी रिलीज होती है, क्या रिलीज होती है, एनर्जी, और उस एनर्जी की वजह से आउटसाइड मतलब बाहर की साइड, ठीक है, बाहर की साइड क्या होता है, प्रेशर क्रिएट होता है, ठीक है। और दूसरी चीज, इसकी मैटर की वजह से इसके अंदर अंदर की साइड ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, तो जो
मतलब एनर्जी की वजह से प्रेशर बन रहा था और ग्रेविटी का जो फोर्स है वो दोनों क्या हो जाती हैं, आपस में इक्वल हो जाती हैं और वो साइज मेंटेन रहता है। ठीक है, यदि मान के चलो मैं हाइड्रोजन और हीलियम को, मतलब हाइड्रोजन है वो स्टार के अंदर खत्म हो गया, कंप्लीटली फिनिश हो गया, ठीक है, तो उसके अंदर कोई भी फ्यूजन रिएक्शन नहीं होगी, और फ्यूजन रिएक्शन नहीं होगी तो एनर्जी रिलीज नहीं होगी, और एनर्जी रिलीज नहीं होगी तो आउटसाइड कोई प्रेशर नहीं क्रिएट होगा। ठीक है, आउटसाइड कोई प्रेशर नहीं क्रिएट होगा तो वो खुद की ग्रेविटी की वजह से वो क्या होता जाएगा, स्क्वीज होता जाएगा, और स्क्वीज होकर के एक स्पीयर, मतलब छोटे स्पीयर में कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब छोटे स्टीलर बॉडी में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, छोटी स्टीलर बॉडी में कन्वर्ट होकर के, मतलब इसका पूरा मैटर है वो एक छोटे से स्पीयर में बदल गया। ठीक है, अब जो ये स्पीयर है, ठीक है, इसकी ग्रेविटी और ज्यादा इंक्रीज हो गई। क्यों, मैंने बताया था कल कि ग्रेविटी है वो, ग्रेविटेशनल फोर्स है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है उसके साइज के। ठीक है, मतलब आर फॉर रेडियस, अब इसका रेडियस क्या है, ज्यादा है, और इसका रेडियस कम है। ठीक है, तो जितना कम रेडियस होगा उतना ज्यादा ग्रेविटेशनल फोर्स होगा। मास तो इसका और इसका दोनों का बराबर है, लेकिन रेडियस कम होता गया है, रेडियस कम होता गया है तो उसका ग्रेविटेशनल फोर्स बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गया कंपेयर टू जो लार्ज स्टार था। ठीक है, मतलब यंग स्टार था उसके कंपेयर में, जो जो ब्लैक होल है, या बोल सकते हैं जो ब्लैक होल बना है उससे उसका जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, अच्छा, ये दो तरीके का मतलब बॉडी होती है, इसमें स्टीलर बॉडी से दो तरीके की बॉडी बन सकती है, कौन कौन सी, स्टीलर मतलब स्टार बोल सकता हूं मैं, स्टार, यदि कोई छोटा स्टार है, ठीक है, और एक है मान के चलो बिग स्टार, मतलब सन से कई लाख गुना बड़ा। ठीक है, वो क्या होता है, स्पीड होकर के एक स्पीयर के में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, और ये स्मॉल स्टार है वो भी स्पीड होकर के छोटे से स्पीयर में कन्वर्ट हो सकता है। लेकिन अब इन दोनों में डिफरेंस क्या होगा, जो बिग स्टार है उसकी ग्रेविटी इसके कंपेयर में, मतलब स्मॉल स्टार के कंपेयर में बहुत ज्यादा हो जाती है, तो जो बिग स्टार है वो अपनी खुद की ग्रेविटी को मेंटेन नहीं रख पाता और इसके अंदर क्या होता है, एक्सप्लोजन होता है। क्या होता है, एक्सप्लोजन, और एक्सप्लोजन होने की वजह से जो इसके अंदर मैटर है वो क्या हो जाता है, फैल जाता है। ठीक है, फैलने की वजह से इसके कोर का पोर्शन बचता है और आउटसाइड का पोर्शन है वो फैल जाता है यूनिवर्स में। ठीक है, यूनिवर्स में फैल जाता है। अच्छा, जो एक्सप्लोजन हुआ है होता है उसे बोलते हैं सुपरनोवा एक्सप्लोजन, सुपरनोवा एक्सप्लोजन। ओके, मतलब जब बहुत बड़े स्टार, मतलब बिग स्टार यदि स्पीड होकर के छोटी स्मॉलर बॉडी में कन्वर्ट हो जाए और वो खुद की ग्रेविटी को मेंटेन ना रख पाए तो उसके अंदर क्या होता है, एक विस्फोट होता है, एक्सप्लोजन होता है, और एक्सप्लोजन को बोलते हैं सुपरनोवा एक्सप्लोजन। और सुपरनोवा एक्सप्लोजन के बाद उसका जो आउटसाइड का मैटर है वो यूनिवर्स में बिखर जाता है और कोर पोर्शन बचता है। उस कोर पोर्शन में क्या होता है, 80% मास ऑफ स्टार। ठीक है, मतलब जो आउटसाइड का जो इसका जो मैटर था, ठीक है, एक कोर है मान के चलो, एक कोर है, ठीक है, और ये आउटसाइड का मैटर है, आउटसाइड का मैटर एक्सप्लोजन की वजह से फैल गया। ठीक है, ओनली कोर पोर्शन बचा। ठीक है, जो कोर पोर्शन है उसमें 80% ऑफ मास होता है एक्चुअल में, जो बड़ा स्टार है, ठीक है, ये मान के चलो बड़ा स्टार है, वो पहले स्क्वीज होकर के इसमें कन्वर्ट होगा। ठीक है, स्क्वीज होकर के ऐसे कन्वर्ट होगा और ये इतना कम मतलब स्पीड हो जाएगा कि अपनी ग्रेविटी को मेंटेन नहीं कर पाएगा और एक्सप्लोड हो जाएगा। एक्सप्लोड होने के बाद एक कोर पोर्शन बचता है, कोर पोर्शन को बोलते हैं ब्लैक होल। क्या बोलते हैं इसको, ब्लैक होल।
यंग स्टार के कंपेयर में बहुत ज्यादा होती है, बहुत ज्यादा मतलब मिलियन ऑफ टाइम होती है, ठीक है, मतलब कई लाख गुना ग्रेविटी होती है, ठीक है। तो ये था मैंने स्टीलर बॉडी, जो स्टीलर ब्लैक होल के बारे में बताया था, मतलब स्टीलर ब्लैक होल कैसे बनता है उसके बारे में बताया था, स्टार से स्टीलर ब्लैक होल कैसे बनता है, ओके। हाँ, अब दूसरा मतलब दूसरी कंडीशन बता रहा था कि यदि कोई स्मॉल मतलब स्मॉल स्टार है वो कन्वर्ट होकर मतलब स्क्वीज होकर के एक स्मॉल बॉडी में, ठीक है, बनता है, लेकिन इसके अंदर एक्सप्लोजन नहीं होता है, इसके अंदर एक्सप्लोजन नहीं होता है और ये ऐसा का ऐसा ही बनना रहता है, हल्की हल्की एनर्जी भी इमिट करता रहता है, इसको बोलते हैं व्हाइट ड्वार्फ बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे? व्हाइट ड्वार्फ। तो व्हाइट ड्वार्फ और ब्लैक होल में क्या डिफरेंस है? जो व्हाइट ड्वार्फ है वो कम मैटर वाले स्टार से बनता है, मतलब स्मॉल मैटर वाले स्मॉल साइज वाले स्टार से बनता है, और जो ब्लैक होल है वो लार्ज साइज वाले स्टार से बनता है, मतलब लार्ज साइज वाला स्टार के अंदर बहुत ज्यादा मास होता है और ज्यादा मास होने की वजह से वो क्या होता है, जब स्क्वीज किया जाता है ना तो उसकी ग्रेविटी इतनी इंक्रीज हो जाती है कि वो अपनी मेंटेन नहीं रख पाता, लेकिन ये अपनी ग्रेविटी को मेंटेन रख सकता है और इसकी जो मतलब जितना साइज है वो उतना ही मेंटेन रखता है और ये व्हाइट ड्वार्फ में रहता है, लेकिन ये एक्सप्लोजन के बाद किसमें कन्वर्ट हो जाता है? ब्लैक होल में, ओके। तो ये था स्टीलर ब्लैक होल। अब मैं करूं किसकी बात? सुपरनोवा, सॉरी सुपर मैसिव ब्लैक होल। तो इसके बारे में ज्यादा नहीं बताऊंगा, एक्चुअल में इसके बारे में बहुत ही कम फैक्ट हैं। जो सुपर मैसिव ब्लैक होल है वो बहुत सारे स्टीलर ब्लैक होल के कॉम्बिनेशन से बनता है, मतलब बहुत सारे स्टीलर ब्लैक होल यदि आपस में फ्यूज हो जाएं तो क्या बनाती है? सुपर मैसिव ब्लैक होल। और ये सुपर मैसिव ब्लैक होल किसमें मिलता है? एक गैलेक्सी के सेंटर में, और इस सुपर मैसिव ब्लैक होल के चारों तरफ अपनी ऑर्बिट में स्टार्स परिक्रमा करते हैं, जैसे एक सोलर सिस्टम में प्लेनेट सन की परिक्रमा करते हैं, ऐसे ही गैलेक्सीज में जो स्टार्स हैं वो किसकी परिक्रमा करते हैं? सुपर मैसिव ब्लैक होल की। अच्छा, अब मैं बताता हूं ये ब्लैक होल का स्ट्रक्चर के बारे में, थोड़ा स्ट्रक्चर के बारे में भी डिस्कस करता हूं, क्योंकि ये आगे ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स में थोड़ा काम आएगा। मैंने कल बताया था कि जो ब्लैक होल है वो इतना डेंस होता है कि उसका पूरा मैटर एक छोटे से पोर्शन में होता है, ठीक है, पूरा मैटर एक छोटे से पोर्शन, ये ब्लैक होल है एक्चुअल में। और इस ब्लैक होल का 80% जो मैटर है या मास बोल सकते हैं वो एक पॉइंट में होता है, मतलब सेंटर में होता है, और इस सेंटर को बोलते हैं पॉइंट ऑफ सिंगुलैरिटी। ओके, और इसका जो मार्जिन होता है जिसकी एजेस होती हैं उसे बोलते हैं इवेंट ऑफ होराइजन। क्या बोलते हैं? इवेंट ऑफ होराइजन। हाँ, यदि कोई स्टार यदि इसके आसपास से गुजरता है, ठीक है, आसपास से गुजरता है तो वो एक साथ ऐसे इसके साथ फ्यूज नहीं होगा, ठीक है, वो इस मतलब एक साथ इसके अंदर समाएगा नहीं। वो किस तरीके से होता है? वो एक जैसे मान के चलो वो चक्कर लगा रहा है अपनी ऑर्बिट में, ठीक है, ऐसे चक्कर लगा रहा है, और वो चक्कर लगाते हुए क्या होगा, इसकी तरफ अट्रैक्ट होगा और एंड में जाकर के इसके अंदर फ्यूज हो जाएगा, ठीक है, मतलब वो एक डिस्क बनाता है, ठीक है, क्या बनाती है? डिस्क की शेप में फ्यूज होते हैं एक साथ, मतलब ऐसे अट्रैक्ट होकर के फ्यूज नहीं होंगे, वो चक्कर लगाते हुए फ्यूज होंगे, ठीक है। हाँ, एक और चीज, दोबारा से बनाता हूं इसको,
ये क्या है, पॉइंट ऑफ सिंगुलरिटी और ये इवेंट ऑफ होराइजन। ठीक है, यदि कोई भी मतलब स्टीलर बॉडी या कोई भी ऑब्जेक्ट यदि इवेंट ऑफ होराइजन के अंदर आ जाता है ना, तो वो इससे रिटर्न नहीं हो सकता, वो इससे रिटर्न नहीं हो सकता, इससे बाहर नहीं जा सकता, और उसके मतलब उसके बारे में अपन पता भी नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि एक्चुअली अभी तक ये मालूम नहीं पड़ पाया है कि ब्लैक होल के अंदर क्या है, उसके बाहर की चीजें सभी मालूम पड़ गई हैं, लेकिन ब्लैक होल के अंदर क्या है वो अभी तक नहीं मालूम पड़ पाया। क्यों? ऑब्वियस सी बात है कि ये इतनी ग्रेविटी होती है कि जो लाइट है उसको भी पास नहीं होने देता। मतलब लाइट की स्पीड कितनी होती है, देखो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। मतलब यदि लाइट इस स्पीड से जाती है, ठीक है, इस स्पीड से जाती है, फिर भी इससे पास नहीं हो सकती, मतलब इसको क्रॉस नहीं कर सकती। तो अब एक और है फिजिक्स का, मतलब फैक्ट है कि जो लाइट की स्पीड है इससे ज्यादा स्पीड किसी की नहीं है, इससे ज्यादा स्पीड किसी की नहीं है। यदि इवेंट ऑफ होराइजन को या बोल सकते ब्लैक होल को पास करना है, तो उसकी स्पीड मतलब उस स्टीलर बॉडी की स्पीड या बोल सकती है उस स्टार की स्पीड या कोई भी ऑब्जेक्ट उसकी स्पीड कितनी होनी चाहिए, लाइट की स्पीड से ज्यादा होना चाहिए। ठीक है, तभी वो ब्लैक होल को पास कर पाएगा। लेकिन अपने यूनिवर्स में अभी तक ऐसा कोई स्टार या स्टीलर बॉडी या ऑब्जेक्ट है ही नहीं जो लाइट की स्पीड से ज्यादा स्पीड रखता हो। ठीक है, तो ये था ब्लैक होल के बारे में जितनी भी नॉलेज मतलब मैं दे सकता था मैंने वो दी। ठीक है, बहुत सारे फैक्ट्स भी बताए। आई होप ये वीडियो आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगी होगी और बहुत ज्यादा नॉलेज भी मिली होगी। यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है, और बेल आइकॉन पर भी क्लिक करें।